हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज निशांत चौहान और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ड्राइव यूनिट्स के बारे में, उसके अलावा आपकी सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स जो आपकी प्रैक्टिकल पर्पस में यूज की जाती है वो आपके कुछ यहाँ पर है, हम इन्हें बार बार देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ और लेंथ एंड डिस्टेंस। द फर्स्ट यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। सन और अर्थ के बीच जो मीन डिस्टेंस होती है वो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 × 10⁻¹⁰ मीटर के बराबर होती है। सेकंड वन इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर। एक साल में वैक्यूम में लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो आपकी लाइट ईयर कहलाती है, और वन लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर के बराबर होता है। थर्ड वन इज पैरालैक्टिक सेटिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पारसेक भी बोलते हैं। डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसेंस एन एंगल ऑफ वन सेकंड ऑफ आर्क। वन सेकंड ऑफ आर्क है यदि सबसेंस करें तो आपकी आर्क कितने यूनिट की? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो आपकी पैरालैक्टिक सेटिंग कहलाती है। वन पारसेक इक्वल टू होता है 3.084 × 10⁻¹⁶ मीटर के, या फिर हम लाइट ईयर के टर्म्स में अगर इसे देखना चाहें तो वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मॉल यूनिट्स बात करें, स्मॉल लेंथ को मेजर करने की बात करते हैं, ये जितनी भी आपकी लार्ज अगर डिस्टेंस ज्यादा है लेंथ ज्यादा है उसे मेजर करने काम आती है। स्मॉल की बात करते हैं, स्मॉल के अंदर सबसे पहले आपका आता है माइक्रोन या माइक्रोमीटर, यहां से जानते हैं म्यू ये सिंबल है इसका, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइक्रोमीटर इक्वल 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। सेकंड वन इज नैनोमीटर, 1 nm इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। द लास्ट वन इज फर्मी का जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल दैट इज न्यूक्लियर के साइज को मेजर करने के लिए काम में आता है, और 1 फर्मी इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, जितनी भी आपकी लार्ज यूनिट थी तो उसमें जो सबसे बड़ी यूनिट होती है आपके पास है, उससे छोटी यूनिट होती है आपकी लाइट ईयर, और उससे छोटी यूनिट होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये मैग्नीट्यूड की वाइज हमें डिपेंड करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने देखा किसी एक लेंथ और डिस्टेंस के लिए। अगर हम मास की बात करें तो मास के लिए जो आपकी पांच तरीके की यूनिट डिफाइंड होती है, पहली पाउंड, सेकंड वन इज स्लग, थर्ड इज क्विंटल, टन ये मेट्रिक टन के लिए, एटॉमिक मास के लिए। ये आपकी लार्ज मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट्स आपकी, और ये आपकी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट के लिए। अगर पाउंड की बात करें तो 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 केजी की इक्वल होता है, 1 स्लग इक्वल टू 14.59 केजी की इक्वल होता है, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी होता है, 1 टन या मेट्रिक टन के लिए 1000 केजी की इक्वल होता है, एंड लास्ट वन इज एटॉमिक मास। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है वो आपका एटॉमिक मास होता है। शॉर्ट में से हम एएम भी लिखते हैं, एंड 1 एएम इक्वल टू होता है 1.66 × 10⁻¹⁷ केजी की। ठीक है, इसके आगे बात करें एरिया की, बात करते हैं तो एरिया के डिफाइन करने के लिए तीन तरीके के यूनिट यूज होते हैं, बार, एकड़ एंड हेक्टेयर। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁻²² मीटर स्क्वायर के, दैट इज स्मॉल मेजरमेंट, बहुत ज्यादा छोटा एरिया। 1 एकड़ इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर, ये आपका लार्ज मेजरमेंट में बड़े एरिया के लिए आएगा, एंड 1 हेक्टेयर इज आल्सो फॉर लार्ज मेजरमेंट दैट इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके आगे हमने लेंथ का डिस्टेंस का देखा, मास का देखा, एरिया का देखा, अब बात करते हैं टाइम। टाइम के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे सोलर डे की। क्या होता है सोलर डे? टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू सन। सपोज ये सन है, ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करके साथ साथ सन के चारों तरफ भी अर्थ अराउंड करती है। तो जब वो अपनी एक्सिस पर एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लेगी वो उसका कहलाता है सोलर डे, दैट इज सोलर डे। अगर बात करें सिडरियल ईयर की तो वही अगर डिस्टेंस वही रिवॉल्यूशन को सन के रेस्पेक्ट को छोड़ के किसी अदर स्टार के रेस्पेक्ट में करें तो वो आपका सिडरियल ईयर कहलाता है। नेक्स्ट इज सोलर डे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट। अपनी ऑर्बिट में वन रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो उसका सोलर डे कहलाता है, एंड 1 सोलर डे इक्वल्स टू 365.25 एवरेज सोलर डे के इक्वल होता है। इसके बाद करते हैं ट्रॉपिकल ईयर, इन विच देयर इज टोटल सोलर इक्लिप्स। जितने भी आपके सोलर इक्लिप्स हैं जिसके अंदर आते हैं वो आपका ट्रॉपिकल ईयर कहलाता है। लीप ईयर ऐसे ईयर जो 4 से डिविजिबल हो जाए या फिर उसमें फरवरी 29 डेज की एक्सिस्ट करते हैं वो आपके लीप ईयर कहलाते हैं। लूनर मून, टाइम टेकन बाय
मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड इट्स ऑर्बिट। मतलब क्या, मून के थ्रू अर्थ के अराउंड, अर्थ के चारों तरफ उसकी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितना टाइम को लेता है वो से बोलते हैं लूनर मंथ। वन लूनर मंथ इक्वल टू होता है 27.3 डेज की, एंड द लास्ट वन इज शेक, शेक इक्वल टू 10⁻¹¹ सेकंड। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट, इट इज आल्सो व्हाट करंट पासिंग टाइम 10⁻¹¹। ये आपने मेन में देखी डिस्टेंस के लिए, मास के लिए, एरिया के लिए, टाइम के लिए। कुछ अदर क्वांटिटीज भी हैं जिस जैसे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ वोल्ट एक बार। किलोवाट आवर की बात करें तो होता है आपका 3.6 × 10⁻⁶ जूल के एक बार। हॉर्स पावर की बात करते हैं तो 746 वाट के एक होता है। द लास्ट वन इज डिग्री, वन डिग्री को सुधर पाई अपॉन कनेक्टिव रेडियस। दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो आपका पहला सेक्शन का रहेगा, उसमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत होती है। मतलब क्या, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इधर देख लेते हैं। ठीक है, सपोज कहीं पे लिखा है 38 डिग्री, उसे यहां पे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम उसकी 5 π/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये कैंसिल होगा 6 sin एंड रेडियन में आ जाएगा π/6। ये तो हो गया आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब अगर मुझे इस π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना था जो रेडियन में था, तो उसके लिए मैं 180 / π से मल्टीप्लाई कराऊंगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 × 3 = 80, दैट इज ये आपका आ गया 30 डिग्री। ये आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या करा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कराई, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 / π से मल्टीप्लाई कराई। इस तरीके से ये कुछ जो आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इन सब का यूज न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में सीधे सीधे बोल देता है 1 a का, तो आपको यूज करना होता है सिस्टम या जेएमकेएस या सीजीएस, उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 1 a = 4047 m², इन चीजों को लेकर चलेंगे, वहां क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।